दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती है। इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो कि दो यूनिवर्सिटी से है। एक है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से नोटिफिकेशन है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में मैं आपको रिजल्ट ही बताऊंगा। तो एक जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में केवल फेल होने वालों की संख्या 8000 के करीब है। तो ऐसा रिजल्ट जिसका फेल होने की संख्या ही 8000 है, उसमें कितने स्टूडेंट बैठे होंगे टोटल, उतने सारे स्टूडेंट का रिजल्ट है। ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो कुछ 40% के आसपास भी रिजल्ट नहीं आया है, बहुत ही बेकार है। और एक रिजल्ट में और बताऊंगा, दो रिजल्ट आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और सीजी एजुकेशन न्यूज अब ऑटो प्ले और फेसबुक के पेज पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ भी आपको वीडियो के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं वीडियो में नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें रिजल्ट जारी किए गए हैं। बीएड सेकंड ईयर के सत्रांत परीक्षा के रिजल्ट जारी किए गए, जुलाई से जून के जो इनके से सत्र है उनका रिजल्ट जारी हुआ है बीएड सेकंड ईयर का। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अवेलेबल है, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर आप रोल नंबर एंटर करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं बीएड सेकंड ईयर वाले जुलाई से जून सत्र के। उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से देखते हैं, तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा जिसका इंतजार किया जाता है रिजल्ट, वो रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट ही शामिल हुए थे 21,510 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए थे और पास हुए हैं 8,259। फेल होने वाले हैं यहाँ पे 7,993, मतलब 8,000 को सिर्फ 7 स्टूडेंट कम है, इतने फेल हुए हैं। सप्लीमेंट्री 5,076 स्टूडेंट आए हैं, 182 के रिजल्ट रोके गए हैं और एब्सेंट थे 1,015। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आया है 38.4 आया है। और ये जो सब्जेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ, ये है बीए फाइनल ईयर एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2023 का। तो देखिए बीए ऐसे सब्जेक्ट में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 38.4% इसका ओवरऑल रिजल्ट आया है, केवल पास होने वाले ही 7,993 स्टूडेंट हैं। 21,000 स्टूडेंट ने एडमिशन ये जो है एग्ज़ाम दिया था। अब देखिए बीए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम का रिजल्ट इस प्रकार से आया है। तो यहाँ पर अगर किसी को डाउट है अपने रिजल्ट में, तो रिजल्ट जारी हो चुका है। अब आप लोग 15 दिनों के अंदर अंदर इसके लिए रीटोटलिंग और रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में सोचा नहीं जाएगा, 15 दिन आपके पास समय है। आप अपना जो रिजल्ट से अगर किसी को डाउट लगता है कि गलत रिजल्ट आया, क्योंकि फेल होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अगर किसी को लगता हो तो वो रिटोटलिंग और रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। रिजल्ट जारी हो चुका है तो 15 दिनों के अंदर आप ये काम करवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।